बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लेक्चर नंबर 14 में ही मज़ीद कुछ चीज़ें हम देखते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स सबसे पहले देख लेते हैं, फिर टेबल्स देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं मसबोर्ड में, इक्वेशंस और सिंबल्स, ये छोटे छोटे कुछ दो तीन टॉपिक्स और हैं। तो हेडर्स एंड फुटर्स पहले देखते हैं। वर्किंग विद हेडर्स एंड फुटर you can make your documents look professional and polished by utilizing the header and footer sections. The header is a section of the document that appears at the top margin, while the footer is a section of the document that appears at the bottom margin. ab hota kya hai ki jab hum ko document ek banate hain to aksar aapne books ke page dekhe honge. books mein kya hota hai, हर पेज के स्टार्टिंग में या उसके ऊपर उस चैप्टर वाइज चीजें सेम लिखी होती हैं, तो इस चीज को कहा जाता है हेडर। अब मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि ये जो हमारी डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ फाइल प्रिंट, तो ये देखिए ये इस तरह से तैयार हो रहा है। इसको मैं पेज गूगल की जगह इसको कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के हर पेज के ऊपर बीएस मैनेजमेंट लिखा आ जाए ऊपर, ठीक, ये मेरा पहला पेज है, फिर दूसरा पेज, तीसरा। तो उसके लिए हम इसमें हेडर एक डाल देते हैं, इंसर्ट। देखिए हेडर क्या चीज़ है, टॉप मार्जिन होता है। ये जब हम डॉक्यूमेंट टाइपिंग कर रहे होते हैं उस वक्त हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन प्रिंट में ये चीज़ हर पेज पर आ जाएगी। लेट से मैं अगर हेडर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो वो मुझे बता रहे हैं कि हेडर किस जगह पे आप रखना चाहते हैं, किस तरह का रखना चाहते हैं। मैं पहले एक सिंपल सा एक हेडर लेके आपको दिखाता हूँ, जस्ट उस पर क्लिक किया, यहाँ पे कहता है क्या टेक्स्ट है जो आप लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लेट से लिख देता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। अब सिर्फ ये लिखने से क्या होगा कि ये जो ये मैंने एज ए हेडर लिख दिया, अब ये हर पेज पर हमें नजर आएगा। अगर आप मैं इसको क्लोज करता हूँ हेडर को, तो यहाँ पर आप देखें ये ऐसे बैकग्राउंड में मुझे, और मैं इसको डायरेक्टली ये क्लिक नहीं हो रहा, अगर इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा इनेबल हो जाता है, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैं क्लोज हेडर करता हूँ, तो अब देखिए मेरे नेक्स्ट पेज पर भी ये ऊपर आ गया। इसी तरह अगले पेज पर जाता हूँ तो ये हर पेज के टॉप पर, उसके टॉप मार्जिन में ये चीज़ लिखी हुई आ जाएगी। अगर आप फाइल पे जाता हूँ प्रिंट करता हूँ, तो ये देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट, इसी तरह। तो यहाँ पर ये चीज़ कॉमन है और बाकी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये क्या है, हेडर। तो कोई ऐसी चीज़ जो चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट में हर पेज के टॉप पर मार्जिन में वो चीज़ आए, टॉप मार्जिन में आए, तो उसे हम हेडर कहते हैं। इसी तरह अगर आप फुटर कोई चीज़ सेट करना चाहते हैं, तो इसी तरह इंसर्ट में आता हूँ और फुटर में मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास डिफरेंट टाइप है, ये एक स्टाइल भी बना हुआ है, पेज नंबर भी ये साथ दे देगा, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अलादा से भी पेज नंबर होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं ये सिंपल सा एक ही इसी तरह ले लेता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ BS मैनेजमेंट, ठीक, सो क्लोज करता हूँ। अभी बी एस मैनेजमेंट हर पेज के नीचे लिखा हुआ आएगा, हर पेज के एंड में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फुटर आ गया। मजीद आगे इसको देखते हैं। इसी तरह इंसर्ट में आता हूँ, आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज पर उसका पेज नंबरिंग भी ऑटोमेटिक जनरेट होती जाए, तो वो हमारे पास पेज नंबर होता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा ये वो कह रहा है कि पेज नंबर कहाँ पर आए, टॉप ऑफ द पेज आए, बॉटम ऑफ द पेज आए। अच्छा जी चलें, अगर बॉटम ऑफ द पेज आए तो कहाँ पर आए, राइट साइड पर आए, सेंटर में आए, राइट आए, इस तरह से आए। तो ये हमारे पास बेशुमार यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं। अब ये जो अगर बॉटम करते हैं तो वो फुटर में आएगा, अगर आप टॉप पेज करते हैं तो वो हेडर में आएगा। अभी इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपको जो इसमें बेहतर लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ, ठीक। अब ये हर एक के फोटो में ये देखिएगा पेज नंबर इस तरह से आ रहा है।
करता हूँ, सेव करता हूँ फाइल प्रिंट, तो ये देखिएगा दूसरा हेडर रिमूव हो गया और उसकी जगह हमारे पास ये पेज नंबर 1, 2, 3 ये आना शुरू हो गया, तो ये फुटर में आया। इस तरह से अगर आप इसमें एक चीज और भी होती है पेज नंबर में हम मजीद एक एडिटिंग भी कर सकते हैं, वो किस तरह से कि लेट से मैं इसमें आता हूँ, ये रहा फुटर, डबल क्लिक किया ये पेज नंबर आ गया मेरे पास। अब मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये डिजाइन का ऑप्शन एक आ रहा है, ये डिजाइन का ऑप्शन है। अब इसमें मैं जाता हूँ पेज नंबर पर यहाँ पर और फॉर्मेट पेज नंबर कर लेता हूँ, फॉर्मेट पेज नंबर ओपन किया तो यहाँ पर ये मुझे ये कह रहा है कि जो आप पेज नंबर का जो फॉर्मेट है वो क्या रखना चाहते हैं। लेट से 1, 2, 3, 4 रखता हूँ, अलिफ पे इस तरह से डैश डाल के ABC रखता हूँ, रोमन रखता हूँ, फिर रोमन रख के ओके करता हूँ, तो देखिए ये सारा मेरा ABC जो है, ये सारी जो फुटर में जो पेज नंबर आ रहे हैं ये मेरे रोमन आना शुरू, इस तरह से। मजीद इसमें हम देखते हैं कि हम यहाँ पे हेडर में कहीं पर टाइम भी लेट से डालना चाह रहे हैं कि पेज नंबर है, और यहाँ मैं डिजाइन में आता हूँ और ये डेट एंड टाइम में मैं जाके जो है ना डेट एंड टाइम भी ले लेता हूँ, क्योंकि या तो ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पर डेट एंड टाइम भी आ गया। ये टैब देकर इसको थोड़ा सा मैं डिस्टेंस डाल देता हूँ फुटर में, इसको सेव करता हूँ तो फाइल अगर प्रिंट में जाता हूँ तो देखिएगा मेरे पास ये करंट डेट, जब भी आप ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो जिस डेट पे होगा वो डेट भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। स्टेट में भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट आप क्या रखना चाहते हैं वो भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ये लेट से ये डेट है, तो मैं इसमें अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, डिजाइन में ओपन किया तो ये है हमारे पास डेट एंड टाइम, ये इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स आ गए कि क्या आप इसमें कुछ लिखा हुआ रखना चाहे पूरा मतलब दिन इस तरह से लिखा हुआ, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं आप इसमें जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे चल जाए तो इसको मैं क्लोज करता हूँ हेडर को। इसके बाद आ जाता है जी टेबल्स, ये अगर इसमें देखें ना हेडर्स फुटर पेज नंबर ये सारी डिस्कशन यहाँ पर भी इसमें मौजूद है, डेट एंड टाइम। ठीक, अब आ जाते हैं टेबल्स पर। अक्सर हमें कुछ इस तरह का रिकॉर्ड चाहिए होता है अपने डॉक्यूमेंट में कि हम जो रिकॉर्ड मैनेज कर रहे हैं वो टेबल की फॉर्म में है। लेट्स से स्टूडेंट की नेम है, उनकी क्लास जेंडर सेपरेटली लिखा होता है, जिस तरह से एक टेबल होता है आपको पहले दिखा दूँ, जैसे ये एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, इसमें पहले नेम आ गया, फिर उसकी से रिलेटेड जो प्राइस है ये व्हाट्सएप चीजें आ गई। तो अब ये चीज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS ऑफिस में ये चीज हम टेबल कैसे बना सकते हैं और उसमें फिर हम डिफरेंट टाइप का डेटा कैसे पुट कर सकते हैं। अब जब भी डेफिनेटली कोई भी टेबल बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके सामने कोई ना कोई टास्क होगा, कोई चीज आपने प्रॉपर बनानी होगी, तो उसके लिए हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, हम उसको कैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ जी, मैं यहाँ पे लेट से टेबल स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और टेबल में मैं लेट से हेडिंग दे रहा हूँ जी, मैं स्टूडेंट्स इन्फो, स्टूडेंट्स डिटेल, अब ये उसकी एक हेडिंग होगी, तो उसमें जो टेबल होगा स्टूडेंट का उसमें नेम आ जाए, रोल नंबर क्लास आ जाए, रोल नंबर आ जाए, ठीक है, और सब्जेक्ट आ जाए, इस तरह से हम एक टेबल बना देते हैं। लेकिन टेबल में क्या है जी, सबसे पहले हमारे पास रोल नंबर हो, फिर नेम हो, फिर क्लास हो, और फिर चौथा आप उसमें ऐड कर लें कोई सब्जेक्ट ऐड कर लें, ठीक। तो ये अगर हम चार का एक बना रहे हैं इस तरह का टेबल, अक्सर आपने डेट शीट वगैरह भी अपनी देखी होगी या टाइम टेबल आप लोगों का जब लगता है तो देखते हैं वो टेबल में बना होता है, तो उस तरह की अगर हम कोई चीज बनाना चाहते हैं तो हम पहले ये चीज देखेंगे। मेरे पास तो ऑप्शन में इंसर्ट में आता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिएगा टेबल का ऑप्शन है मेरे पास, मैं इस पर क्लिक करता हूँ
तो ये मुझे ऐसे एक फॉर्म देता है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जस्ट मूव करता हूँ कि मुझे कितने कॉलम्स का टेबल चाहिए और कितनी रोज का। कॉलम क्या होते हैं, अगर हम इस चीज को ये 1 2 3 इस तरह से देखते हैं तो ये क्या है हमारे पास, ये कॉलम्स हैं। ऊपर से नीचे अगर देखते हैं तो ये हमारे पास रोज हैं। तो भी जैसे मैं बात कर रहा था कि हमें 4 कॉलम्स में डेटा चाहिए, हम रोल नंबर लिखेंगे, नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। तो कितने स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, लेट से मुझे 5 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए इस तरह से। तो मैं वो ये ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर दिया, जस्ट उसको क्लिक कर दिया। देखिए दोबारा इंसर्ट टेबल्स, यहाँ पे आप जितना रखते हैं उतना क्लिक करके, जस्ट उसको सेलेक्ट करके आप क्लिक कर देंगे तो वो टेबल बन गया। ठीक, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा, चूंकि ये हेडिंग है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको यूं बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, फिर क्या है जी नेम, फिर क्या है क्लास, और फिर क्या है जी सब्जेक्ट। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारा, चूंकि मेन हेडिंग है तो ये सारा सेंटर में नजर आए, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है कि जब आप कर्सर यहाँ पर लाएं और ये एरो इस तरह का बने तो आप इस पे डबल क्लिक करें तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप यहाँ पर आते हैं, क्लिक को दबा कर रखते हुए इसको राइट साइड पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये सारी सिलेक्शन हो गई है। तो मैं होम पे आता हूँ, यहाँ पे इसको आके सेंटर कर लेता हूँ, यू अलाइनमेंट सेंटर कर दी। अगर मजीद इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो यू इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया। अब रोल नंबर चूंकि छोटा होता है तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, देखिए कर्सर मेरा इसका ये सिंबल चेंज हुआ तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ रोल नंबर। देखिए कितना आसान है ये बनाना। ठीक है, अब रोल नंबर लेट से 1 है और नेम है जी अली, क्लास है BS मैनेज और सब्जेक्ट है लेट से कंप्यूटर। अब इसी तरह रोल नंबर 2 अहमद, ये भी मैं BS मैनेजमेंट सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड रोल नंबर 3 अप टू सो ऑन, इस तरह हम डालते जाते हैं। और क्लास में लेट से कर देता हूँ हाँ BSCS और सब्जेक्ट में कह देता हूँ C++ इस तरह से। ठीक, ये कोई भी टेबल है आप उसमें डेटा डाल रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो आप टेबल्स में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास टेबल बन गया। इस टेबल को अब आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए जब इसके ऊपर मैं कर्सर लेकर आता हूँ, साथ में ये इसके 2 सिंबल्स और मैं इसको यूँ ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक बड़ा बन गया। इनको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, यूं सेलेक्ट किया, अलाइन सेंटर कर दिया, नेम है तो नेम ऐसे ही रहेगा। इनको अगर मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, सेलेक्ट किया तो ये अलाइनमेंट इस तरह से आएगा। ठीक, तो ये आपके पास टेबल बन गया। मजीद इसके अंदर जब आप टेबल को यूं सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास डिजाइन में बेशुमार ऑप्शन आ जाते हैं। लेट्स सी, ये देखिए अब डिजाइन में बने बने फॉर्मेटिंग है, मैं जस्ट उसके ऊपर रख रहा हूँ। ये डिफॉल्ट था टेबल ग्रिड, ये उसका एक नया स्टाइल आ गया, यहाँ पर लेके आते हैं तो थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया। तो ये बने बनाए फॉर्मेट्स इसमें पड़े हुए, आपको जो अच्छा लगे आप वो अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन के मकसद क्या है। लेट से मैंने ये ले लिया तो ये देखिए बना बनाया ये खूबसूरत सा टेबल हमारे पास आ गया, और उसके अंदर रिकॉर्ड जो भी आप डालना चाहते हैं, जिस तरह से डालना चाहते हैं। अब जैसे भी मैंने बात की कि अक्सर आप लोगों का जो ये टाइम टेबल लगता है उस पर क्या होता है, एक टाइम टेबल का कॉलम ऊपर लिखा होता है, उस पे फिर नीचे सब्जेक्ट आ जाएगा, क्लास, उसमें डेज आ जाते हैं, कुछ टेबल बना होता है। तो उस टेबल को आप मद्देनजर आके एक इस तरह का टेबल आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी टेबल्स के बाद। ये अब आपको टास्क में असाइनमेंट में इस तरह के दूंगा, इसमें आप ये सारी चीजें मुझे बना के दिखाएंगे। मैं भी आपको उसे सिखा रहा हूँ कि टेबल बनाना कितना आसान है। मजीद एक और तरीका भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज कॉलम्स पता हो, एक तो ये चीज थी हमने देखी थी। मजीद आप यहाँ पर आए, इंसर्ट टेबल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो मैं लेट से कहता हूँ जी नंबर ऑफ कॉलम, जैसे भी मैंने बनाया है ये जो टेबल बनाया हुआ है,
मेरे पास एक दो तीन चार कॉलम है, मैं कुछ इस तरह के बनाना चाहता हूँ, मुझे 3 कॉलम्स और 6 रोज का डाटा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट या ज्यादा का बनाना चाहता हूँ, डिपेंड अपॉन, दूसरा एक तरीका का इंसर्टेबल करता हूँ, तो मैं कहता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे 3 चाहिए और नंबर ऑफ रोज मुझे 6 चाहिए, ये लिखकर मैं ओके करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास बना बनाया टेबल नीचे मौजूद है। अब आपने जिस मकसद के लिए बनाया है, जो डेटा आप इसमें डालना चाहते हैं, बड़ी आसानी से इसमें वो डेटा डाल सकते हैं, इसको बड़ा छोटा करना भी बहुत आसान है, यहाँ से आपने यूज सेट किया, इसको आप यूँ छोटा बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है वो आप कर सकते हैं, अच्छा इस तरह का कोई टेबल है, आप इन्फॉर्मेशन को जिस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं यूँ ड्रैग करेंगे तो ये और इसकी मतलब डिफरेंट हो जाएगी। फिर अगर आप इस पे कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, सब टू यू, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो ये टेबल बनाना एमएस वर्ड में बहुत आसान है, बड़ा आपके वर्किंग को जो है ना खूबसूरत चीज बनानी हो, डिपेंड कि आप तो रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक, तो उसके बाद हम चलते हैं जी टेबल्स के बाद, कुछ मजीद दो तीन चीजें और देख लेते हैं, या आपके एमएस वर्ड की सबसे चीजें इक्वेशंस सिंबल्स। अच्छा, अक्सर मैथमेटिक्स में अगर आप पेपर वगैरह बना रहे हो, मैथ लिख रहे हो, तो ऐसी बहुत सारी आ जाती हैं सिंबल्स जहाँ पर आ जाते हैं, तो मैं इसको मैं पेज पर यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिंबल्स या इक्वेशन, सिंबल्स एंड इक्वेशन। अक्सर हम कुछ चीज ड्रॉ कर रहे होते हैं, कुछ साइंटिफिक कोई चीज बना रहे हैं, तो हमें कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं जो आपके कीबोर्ड पर मौजूद नहीं होते। लेट से आपने डॉलर साइन डाल लिया, पाउंड तो डाल दिया आपने, डॉलर भी डाल लिया, मेरे पास जो इस वक्त कीबोर्ड है इसमें जो 3 3 जो है ये पाउंड का सिंबल दे रहा है, 4 जो है डॉलर साइन है, 8% है, लेकिन यूरो नहीं है, चाइनीज करेंसी जो है वो नहीं है, जापानी येन का नहीं दिखा रहा, तो ये चीजें अगर आपको इस तरह से कुछ चाहिए तो वो फिर आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमें अगर कोई सिंबल चाहिए होती है और जो हमारे कीबोर्ड पर नहीं है, ड्यूरिंग टाइपिंग अगर हमें कोई चाहिए हो तो हम वो कैसे ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर ये सिंबल्स का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये मेरे पास कुछ मजीद सिंबल्स आ गए, ये आ गया, ये आ गया। अब मजीद इसको मोर सिंबल्स करें, अब इसमें देखिए टिक का ऑप्शन आ गया, यूरो का है, मोर ऑप्शंस पे आते हैं, तो ये देखिए इस पे विश्वा है। अब यहाँ से आप इसकी चॉइसेस डिफरेंट कर सकते हैं जी, यहाँ पे मतलब करेंसी सिंबल था वो तो नॉर्मल टेक्स्ट में है, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट में अगर आप देखें तो वो कैसे है, तो काफी सारे सिंबल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे मैं कोई सिंबल यूज करना चाह रहा हूँ, ये सिंबल यूज करना चाह रहा था, मुझे पता नहीं सिंबल से। तो अब ये क्या है, मैंने सिंबल, अब कीबोर्ड पर ये मौजूद नहीं है, ये भी एज अ करेक्टर आया है, ठीक है ये एक करेक्टर है, तो दूसरा करेक्टर है, तो ये एज अ करेक्टर यहाँ पर हमारे पास ये सिंबल आता है। मजीद कुछ आप देखना चाहते हैं सिंबल्स में, मोर सिंबल्स करें, यहाँ से कैटेगरी चेंज कर दें, रेजिन कर देता हूँ, और यहाँ से आके मैं कुछ साइंटिफिक उठा लेंगे, बेसिक लेटर्स में देख लेते हैं क्या क्या है जी, जैसे ये सिंबल है ये आपको कीबोर्ड पे शायद ना मिले, ये है, और मजीद आते हैं नीचे तो देखिए बेशुमार इसमें सिंबल्स पड़े हुए हैं, ठीक, और ये एज अ करेक्टर आएगा यहाँ पर, देखिए जिस पसंद है, डबल क्लिक करेंगे तो ये आ गया, तो ये हमारे पास क्या है डिफरेंट सिंबल्स आ जाता है। इसी तरह अगर आपने इक्वेशन कोई बनानी है, मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, लेट से आप लिखना चाहते हैं ए डिवाइडेड बाय टू, इस तरह से ए और अपना ये आपने ऐसे कहते हो 1 डिवाइडेड बाय 2, ये मैं लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जो हमारे एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म है मैं उसमें लिखना चाहता हूँ, इसको लिखता हूँ तो ये मुझे इस तरह से करके दिखाता है। तो इसी तरह और कोई इंटीग्रेशन की कोई इक्वेशन है तो वो हम कैसे लिखते हैं, तो ये देखिए सिंबल के साथ इंसर्ट में डिफरेंट इक्वेशन बनी पड़ी है, तो
आप जस्ट इनमें से डालें, इंसर्ट करें और वो इक्वेशन बना लें। जैसे मैंने अभी आपको बनाया था कि मैं 1 + 2 लिखना चाहता हूँ इस तरह से, ये चीज तो मैंने ये ले ली, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो मैं यहाँ से ये सारे को बाकी को खत्म कर देता हूँ, और मुझे जो रिक्वायर है सिर्फ 1 + 1 / 2 सिर्फ, तो मैं ये बाकी को इस तरह से डिलीट कर देता हूँ एक एक करके ये। और मेरे पास ये क्या आ गया जी, 1 / 2 ये लिखा हुआ आ गया। मैं अब इसको उठाकर कहीं पर लेकर लेकर जाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर एक चीज है, इसको आप छोड़ देंगे कैसा। तो ये सॉरी यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ। प्रोफेशनल से अगर नहीं उसको साथ करना चाहते हैं तो कोई नई इक्वेशन जैसे भी बनी पड़ी थी उसमें ये नहीं थी लेट से, तो आप ये इक्वेशन आप अपने डॉक्यूमेंट में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, या आगे आप आगे मजीद इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो इसी तरह मजीद अगर कोई आप इंसर्ट कुछ सिंबल्स या इक्वेशन सॉरी उस पर था, ये आपने ले ली, ठीक, तो ये आ गया। तो यहाँ पर आप जस्ट जो वैल्यू है उसके मुताबिक चेंज करें, जो चीज नहीं इस्तेमाल करें इसको डिलीट करें, तो ये आपके पास इक्वेशन मैथमेटिक्स की रेडी हो जाएगी। तो अब मैथमेटिक्स में अगर काम करें तो ये चीज बड़ी आसानी से इसमें आप बना सकते हैं। अब आ जाती है एक इम्पॉर्टेंट चीज है, रेफरेंसेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये सारी चीज मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, अब मैं शुरू में एक इंडेक्स फाइल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जितनी भी फाइल बनी है और मैं टॉपिक्स यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, जैसे इंडेक्स होता है शुरू में, मैं वो इंडेक्स बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हेडर्स फुटर किस पेज पर है, टेबल्स किस पेज पर है, इक्वेशंस किस पेज पर है, अब पता नहीं है कि वो किस पेज पर। मैं इंडेक्स बनाना चाहता हूँ, ये शुरू में उनको रखना चाहता हूँ। लेट्स से मैं इसको अपना शुरू का एक पेज बना लेता हूँ जिसमें मैं कुछ नाम रख लेता हूँ, और ये जो पेज है इसको मैं एज इट इज शामिल करना चाहता हूँ फिल वक्त, ताकि इसमें आपका वो डेटा लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ स्टार्टिंग में। अब मेरा मकसद क्या है कि मैं शुरू में एक इंडेक्स पेज ऐड करूँ, तो मैं सबसे पहले एक पेज में शुरू में रख लेता हूँ जहाँ पर मैं वो रेफरेंस ऐड करूँगा। लेकिन उसमें होना क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके लिए ज़रूरी होता है कुछ, तो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ पेज पे एक, कि ये मेरे पास एक शुरू में एक पेज ब्लैंक आ गया है ये वाला। यहाँ पर मैं अपना वो रेफरेंस जिसमें मैं लिख देता हूँ, ये लेट्स से मैं लिखता हूँ इंडेक्स, लिखता हूँ इंडेक्स, ठीक, और इंडेक्स लिखने के बाद या टेबल ऑफ कंटेंट लिखता हूँ, और उसमें मैं लिखता हूँ सबसे पहला जो टॉपिक था लेट्स से इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन, और वो किस पेज पर है जी, मैं आगे वो पेज नंबर लिखना चाहता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा वो नोट कर लेता हूँ, इंट्रोडक्शन है, और मैं भी देखता हूँ ये किस पेज पर है, तो वो लेट से ये इंट्रोडक्शन था मेरा, मैं इसको एज इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब ये है जी इंट्रोडक्शन मेरा पेज नंबर 2 पे, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर आगे जाके लिखता हूँ इंट्रोडक्शन, और ऐसे लेट से मैं डाल डाल के आगे पेज नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है। फिर आ जाता हूँ अगली चीज लिखता हूँ।
अब अगली चीज से मिसाल के तौर पर जो जिसमें मैं जाना चाह रहा हूँ इंट्रोडक्शन के बाद, वाज आई वर्किंग विद हेडर्स एंड फुटर्स। तो अब मैं यहाँ पर वो लिखना चाहता हूँ हेडर्स एंड फुटर्स, हेडर्स एंड फुटर्स, और इसके लिए मैं लिखना चाहता हूँ कि ये पेज नंबर कितना है जी। तो मैं यू आता हूँ यहाँ पर और पेज नंबर में ढूंढता हूँ जी कौन सा हेडर एंड फुटर कहाँ से शुरू हो रहा है। तो जी वो यहाँ से शुरू हो रहा है और वो पेज नंबर 3 है। इसी तरह आगे चलते जाएं तो अगला क्या आ जाता है जी, वर्किंग विद टेबल्स। तो इस पे मैं जब बनाता हूँ तो ये पेज नंबर 6 है। अच्छा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें ज़रा पढ़ने में भी आसानी हो जाए। इसको पेज नंबर 1 कर देता हूँ ऐसे, और मैं आता हूँ इंसर्ट में, और पेज नंबर जो हमने लिखे हुए थे फॉर्मेट पेज नंबर करता हूँ यहाँ से उसको 1 2 3 नॉर्मल जो होता है वो कर देता हूँ। ओके किया, तो अब देखिए मेरे पास पेज नंबर ये 1 आ गया, 1 2 3। अच्छा 1 पे ये है और हेडर्स एंड फुटर है जी 2 पे, और उसके बाद है जी टेबल्स हैं वो 6 पे। तो मैं यहाँ तो 2 लिखता हूँ, फिर क्या है जी टेबल्स जो है वो इस तरह से मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ 6। तो ये एक तरीकाकार इंडेक्स बनाने का, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे जो कि ये ऑटोमेटिकली खुद जनरेट हो जाए। इंडेक्स जो फाइल है समझा आपको रहा था, ये सारी चीज बनाई थी। अगर आप इस तरह से बनाए तो देखिए कितना टाइम लगेगा और कितनी सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं, पेज नंबर ढूंढना पड़ता है। तो एमएस वर्ड में बड़ी जबरदस्त चीज है, वो रेफरेंसेस में जाके हमारे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट है, तो ये बना बनाया ये सारी चीजें खुद बखुद आ जाएंगी। हमें उससे पहले एक छोटी सी सेटिंग सिर्फ करना होगी, जिन जिन चीजों को हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं पेज नंबर के साथ हमें वहां पर जाना है। लेट्स इंट्रोडक्शन को हम दिखाना चाह रहे हैं, ये हमारी मेन चीज थी इंट्रोडक्शन, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और होम पे आता हूँ, इसको एज अ हेडिंग 1 बना लेता हूँ। इसको हेडिंग 1 बना लिया, लेकिन जब आपने इसको हेडिंग 1 बनाया तो इसका वो स्टाइल चेंज हो गया। आप ये चाहते हैं कि नहीं जी ये स्टाइल जो पहले वाला था वही है, तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हेडिंग 1 पे राइट क्लिक करें और इसको मॉडिफाई करें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज समझाने से पहले जरा आप ये देखें। तो उसको आप क्या करेंगे, जिस चीज चीज का आप इंडेक्स में लिखना चाहते हैं आप उसको एज अ हेडिंग 1 बनाएंगे। ये हो गया, नीचे आ जाते हैं जी, ये वर्किंग विद हेडर्स एंड फुटर्स है, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी हेडिंग 1 बना देता हूँ। फिर आ जाता हूँ जी उसके बाद नीचे वर्किंग विद टेबल्स है, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी हेडिंग 1 बना देता हूँ। उसके बाद है जी हमारे पास अभी हमने देखा था ये टेबल्स हो गया, ये सिंबल्स एंड इक्वेशन है, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी हेडिंग 1 बना देता हूँ। ठीक, आप जो भी डॉक्यूमेंट की जो हेडिंग उस पर रखना चाहते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको जस्ट हेडिंग 1 कर दें, बस उसको हेडिंग 1 बना दें। अब ये करने के बाद आप पेज के स्टार्ट में आ जाते हैं, ये चीज मैं खत्म कर देता हूँ, इसकी जगह में वो लूंगा ठीक। और यहाँ पे मैंने इसको पेज ब्रेक इंसर्ट किया हुआ था ताकि ये अगले पेज पर चला जाए और मेरे पास पहला पेज एक ब्लैंक आ जाए। आप ये ना भी करें तब भी, लेकिन यहाँ पर मैं अपने कर्सर को रखता हूँ, मैं आता हूँ रेफरेंसेज में और यहाँ पे आके टेबल ऑफ कंटेंट पे कि एरो क्लिक करते तो ये आपके पास क्या है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है। तो ये इसके डिफरेंट दो तीन फॉर्मेट हैं, किस तरह से लिखा हुआ है आप उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स मैं कर लेता हूँ ये फर्स्ट वन कंटेंट। अब ये देखिए जिस जिस चीज को आपने हेडिंग बनाया था वो आ गया। इंट्रोडक्शन किस पेज पे जी 2 नंबर, वर्किंग विद हेडर्स एंड फुटर्स किस पेज पे जी 3 नंबर, वर्किंग विद टेबल 6, ऑटोमेटिकली वो पेज नंबर। जो जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं, उसमें कोई भी चेंज लाते हैं, तो जस्ट आप अपडेट टेबल करेंगे और वो सारी चीज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अपडेट टेबल जब आप करते हैं तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं, अपडेट पेज नंबर्स ओनली या अपडेट इंटायर टेबल। सारे के सारे टेबल में अगर कोई चेंजिंग है उस सारे को अपडेट करना चाहते हैं तब भी, तो अगर सिर्फ पेज नंबर्स के हद तक आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो तब भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करेंगे तो वो उस हिसाब से आ जाएगा। अब मैं कंटेंट्स की जगह में लिख देता हूँ यहाँ पे लेट्स इंडेक्स कुछ और लिख देता हूँ ठीक है,
तो ये आपके पास है, इसको आप सेंटर में रखना चाहते हैं सिलेक्ट कर लें, होम पे आ जाता हूँ, जहाँ आप इसको रखना चाहते हैं आप उसके अपने मुताबिक सेटिंग कर। लेकिन ये हमारे पास एक बनी बनाई चीज है जो कहाँ पर है, रेफरेंस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट में। अब जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं पहले पेज पे क्या रखा है वो सारा उस हिसाब से इसमें खुद ब खुद वो चीज आ जाएगी, पेज नंबर्स पे आ गए हैं, वो चीजें आप डॉक्यूमेंट तैयार होना शुरू हो गए। ये था जी हमारे पास लेक्चर 14 की जो सारी चीजें। तो यहाँ पर आके मजीद अब जो ऑफिस में ज्यादातर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो ऑलमोस्ट हमने सेट कर ली है। मजीद अगर आप पेज कलर है, पेज बॉर्डर है, आप सारे पेज पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर आप यहाँ पे देख कर ओके कर दें तो वो आपके पेज पर क्या करेगा, बॉर्डर डाल देगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, होम पे आता हूँ, उसमें मैं इस पेज पर इंसर्ट करना चाहता हूँ बॉर्डर, इंसर्ट में आता हूँ, सॉरी पेज लेआउट, ये रहा पेज बॉर्डर। तो बॉर्डर का स्टाइल क्या हो गया जी, बॉक्स यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, और उसका कोई स्टाइल आप इस तरह से डैशेस देना चाहते हैं या डबल लाइंस देना चाह रहे हैं यूँ, तो ये साथ दिखा रहे हैं, ओके करते हैं तो वो आप देखिए ये सारी सेलेक्शन करते हैं, कंट्रोल जेड करता हूँ, पेज से बाहर आता हूँ, ये रहा, ये आप इस पेज मिसाल के तौर पर मैं इस पेज पे था और मैं यहाँ पे आके बॉर्डर पेज बॉक्स करना चाहता हूँ, ये स्टाइल है, ओके किया तो ये देखिए ये अब इस पूरे जितने भी आपका डॉक्यूमेंट था उसके पेज के एक बॉर्डर बन गया। इसको चेंज कर सकते हैं फाइल प्रिंट, ये देखिए अब ये हर पेज पर एक बॉर्डर अगर आप बनाना चाहते हैं कुछ इस तरह से, समटाइम आपको इसकी भी जरूरत पड़ती है तो वो भी आप बना सकते हैं पेज बॉर्डर। अच्छा जी उसके बाद इसमें और क्या चीज हो सकती है, इसमें स्पेलिंग चेक आप बता चुका हूँ, अगर आप स्पेलिंग देखना चाहते हैं वो आप अगर कि समझ रहे कि कुछ गलती कहीं पर है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर्स को आप यूज कर सकते हैं तो वो आपको बता देगा। जैसे भी ये डॉक्यूमेंट डॉट आर की किसने गलती निकाल दी पूरे डॉक्यूमेंट में, तो मैं नहीं पता था कि, और इसको मैं समझता हूँ कि थोड़ा ठीक होना चाहिए डॉक्यूमेंट के बाद और इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और मजीद अगर हम इसको ओके कर देते हैं, सेव कर लेता हूँ, दोबारा से स्पेल चेक कर लेता हूँ, कासिम, कासिम जो कि वो हमारे पास नाम है उसकी डिक्शनरी में ऐड नहीं है तो मैं इसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकता हूँ ताकि नेक्स्ट ये मुझे एरर इस पे ना दे। तो इस तरह से आप ये स्पेल चेक कर सकते हैं जी रिव्यू में जाके, पेज लेआउट वाटरमार्क एक होता है कि जैसे ये देखिएगा ये दिखा भी रहा है, आप अगर अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हो और चाह रहे हैं कि उसका कोई कॉपी पेस्ट ना कर सके और जब ये प्रिंट हो तो बैकग्राउंड पे आपका एक मार्क आ जाए, एक सिंबल आ जाए जिससे ये साबित हो कि ये आपका डॉक्यूमेंट है। लेट्स से अगर मैं इसको ये मैंने सेलेक्ट किया जैसे, तो हर पेज के देखिए बैकग्राउंड पर एक कॉन्फिडेंशियल सा एक बैकग्राउंड आ गया, दिस इज वाटर मार्क। तो ये आप ये भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, दोबारा से इसमें एडिट कर सकता हूँ जी आपको कस्टम वाटर मार्क, अपना कोई इनेबल कॉन्टेंट या कस्टम आप अपना कोई डालना चाहते हैं वाटर मार्क, इस पे मैं क्लिक करता हूँ ये आ गया। तो इस जो टेक्स्ट था वो आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, लेट्स से मैं लिखना चाहता हूँ जी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली जेके, तो मैं इसको ओके करता हूँ, देखिएगा हर पेज के बैकग्राउंड में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली जेके लिखा हुआ आपने, तो ये वाटरमार्क बैकग्राउंड पे भी कॉल कैसा लिखा हुआ है, फॉन्ट फॉर्मेट वगैरह भी आप इस पे सेट कर सकते हैं। ये था जी हमारा एमएस वर्ड, तकरीबन एमएस वर्ड में इस्तेमाल होने वाली ऑलमोस्ट सभी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अब इसी से आप रिलेटेड, अब आज के बाद आपको कोई भी असाइनमेंट मिलती है तो आप वो एमएस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए अपनी असाइनमेंट बनाए किसी भी सब्जेक्ट में। मैं भी अभी जो आपको नेक्स्ट असाइनमेंट दूंगा
वो भी आप एमएस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे।